हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा किचन। आज मैं एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे वेरी फेमस अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 250 ग्राम फ्रेंड्स पनीर लिया है। फ्रेंड्स अच्छी तरह से फ्रेंड्स हमें इसे मैश कर लेना है, छोटे छोटे पार्ट कर लेने हैं। हाथों से हमें साफ हाथों से करना है, इस टाइप में फ्रेंड्स करेंगे। ज़्यादा छोटे पार्ट नहीं करने हैं, थोड़े से बड़े पार्ट रहने देने हैं। फ्रेंड्स खाने में अच्छा आता है फ्रेंड्स जब हम रेडी करते हैं। एक अनियन को फाइन चॉप करके, एक टमाटर को फाइन चॉप करके, थोड़े से हरी मिर्च दो तीन एंड अदरक को फाइन चॉप करके लिया है। तो चलिए रेडी करते हैं अमृतसरी पनीर भुर्जी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रखी, स्टील की कढ़ाई, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, रिफाइंड तेल, तेल गर्म हो चुका है। नाव जीरे को ऐड कर देना, 1/2 टीस्पून जीरे का रॉ फ्लेवर दूर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रॉ फ्लेवर दूर हो गया है। अनियन को ऐड करते हैं हाई फ्लेम करके, अच्छी तरह से फिर अनियन को फ्रेंड्स हमें भूनना है। फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट होने तक भूनते हैं। फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अमृतसरी पनीर भुर्जी फेमस रेसिपी है। फ्रेंड्स आपको जरूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स 2 टेबलस्पून फ्रेंड्स मैंने बेसन लिया है, अच्छी तरह से बेसन को डाल के फ्रेंड्स हमें भूनना है। बेसन फ्रेंड्स इसलिए हम डालते हैं, इसका जो अरोमा होता है फ्रेंड्स, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारी पनीर भुर्जी में, इसलिए हम ऐड करते हैं। इसे थोड़ा सा हमें रॉ फ्लेवर दूर करना है बेसन का। देखिए फ्रेंड्स, बेसन का रॉ फ्लेवर दूर हो चुका, भून चुका है। इस स्टेज में टमाटर ऐड कर देंगे, अदरक हरी मिर्च को ऐड करके सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा हमें भूनना है। फ्रेंड्स टमाटर को सॉफ्ट करेंगे हाई फ्लेम करके। देखिए फ्रेंड्स सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। इस स्टेज में 1/2 टीस्पून नमक एज पर टेस्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, भुनना फ्रेंड्स हम मसाले को। देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा इकट्ठा हो गया है, ड्राई हो गया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि फ्रेंड्स हमने बेसन डाला, इसलिए हमारा मसाला इकट्ठा हो रहा है, ड्राई हो रहा है। इसी तरह से भुनेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, आपको न्यू वीडियो का अपडेट हमेशा टाइम पर मिलता रहे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, मीडियम फ्लेम करके फ्रेंड्स मसाले को भूनना है। नाउ फ्रेंड्स पनीर जो हमने रखा है मैश करके वो ऐड कर देंगे। पनीर डाल के फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमें 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से मिक्स करके भूनना है फ्रेंड्स मसाले में। फ्रेंड्स क्योंकि रेसिपी है झट पर बन जाती है। ये लीजिए फ्रेंड्स हमारी पनीर भुर्जी बन के रेडी हो गई। स्टेज में कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के गार्निश करते हैं, मिक्स करते हैं और प्लेटिंग करेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स हमारी अमृतसरी फेमस भुर्जी बन के रेडी हो गई पनीर भुर्जी। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, प्लेटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने प्लेटिंग कर दी है स्लाइसेस अनियन के साथ एंड फ्रेंड्स ब्रेड के साथ। फ्रेंड्स अमृतसरी पनीर भुर्जी सर्व की जाती है। देख लीजिए फ्रेंड्स मैंने सर्व कर दी है, आप भी रेसिपी जो ट्राई कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।